हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना छोटा सा वाटर लिली का कंटेनर। ये स्पा बॉक्स में है, काफ़ी छोटे से कंटेनर में आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरा हाथ है और ये देखिए कितना छोटा सा है, और इसमें छोटा सा एक प्यारा सा फ्लावर अब खिल चुका है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि इसमें जब फ्लावर पूरा ओपन हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। ये पनामा पैसिफिक है और ये एक तरह का ट्रॉपिकल वाटर लिली है। काफ़ी बढ़िया और ख़ूबसूरत बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें आते हैं, लेकिन अभी आप एक छोटा सा फ्लावर इसमें देख पा रहे होंगे। रीज़न है कि ये काफ़ी छोटे से बॉक्स में है, तो मैं ज़रा इसे उठाती हूँ और ये देखिए इस तरह से ये पानी में रखा रहता है और छोटे से ही बॉक्स में उगा हुआ है। आप चाहे तो इस तरह की किसी वाटर लिली को फ़िश एक्वेरियम वगैरह में रख सकते हैं। तो मैं क्या क्या ध्यान रखती हूँ जब मैं ऐसे छोटे कंटेनर्स में वाटर लिली उगाती हूँ, तो उनमें फ्लावरिंग होगी, इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बात करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कोई माइक्रो वाटर लिली टाइप का वाटर लिली नहीं है, ये एक आम पनामा पैसिफिक है। इसका मतलब अगर मैं इसे बड़े जार में या बड़े कंटेनर में उगाती हूँ तो ये पौधा बहुत ही बड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मदर प्लांट है वो कितना बड़ा हो रहा है, और इसमें भी आज एक बढ़िया सा सुंदर सा फ्लावर आया है, और ये इसका शेप थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप इसे बड़े कंटेनर में उगाएंगे तो पौधा बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर आप इसे इस तरह के किसी छोटे कंटेनर में उगाएंगे तो पौधा छोटा ही रहेगा, इसमें कम फ्लावरिंग होगी और आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, ज़्यादा पत्तियां इसमें नहीं हैं। तो पहले का जो लेयर था उसमें लगभग 30% मैंने काउडंग कंपोस्ट डाला है और उसके ऊपर चिकनी पीली मिट्टी की परत है। तो इस तरह से ये उगा हुआ है और लगभग इसे हर 4 से 6 महीने या फिर लगभग 8 महीनों में तो इसे एक बार रिपॉट करना ही होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं फूड क्वांटिटी बहुत कम है इसके लिए, तो इसे हर बार नए फूड की ज़रूरत पड़ेगी और मिट्टी की क्वांटिटी कम होने के कारण ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देने के लिए बीच बीच में रिपॉटिंग इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। तो एक तो ये चीज़ मैं करती हूँ। सेकेंड चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ की जो पत्तियाँ हैं, मैंने बहुत सारी पत्तियाँ तोड़ रखी हैं। अगर वाटर लिली में ज़्यादा पत्तियाँ आती हैं तो फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो 5 या 6 पत्तियाँ काफ़ी होती हैं जब मैं इसमें रखती हूँ। अभी तो आप 4 ही देख पा रहे होंगे और यहाँ पे ये देखिए एक नई पत्ती भी आ रही है। तो इस तरह से 4-5 पत्तियाँ मैं छोड़ देती हूँ, बाकी सारी पत्तियाँ हटा देती हूँ। इससे फ्लावरिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हैं, पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है। थर्ड चीज़, आप जब भी वाटर लिली को छोटे कंटेनर में उगाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एक ट्रॉपिकल टाइप हो, क्योंकि हार्डी टाइप्स को काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, यूजुअली उसमें जल्दी फ्लावरिंग नहीं होती है, तो ट्रॉपिकल उगाना ज़्यादा इजी होता है। ट्रॉपिकल हमारे इंडियन क्लाइमेट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो अगर आप छोटे कंटेनर में वाटर लिलीज चाहते हैं तो आपको ट्रॉपिकल वाटर लिली से शुरू करना चाहिए, और अगर आपका जो वाटर लिली है वो विविपार्वस है तो और बेस्ट है, क्योंकि इस तरह की जो पत्तियां होती हैं उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इन पौधों से जो फूल निकलते हैं वो काफ़ी ईजिली निकल आते हैं। तो ये जो पनामा पैसिफिक है ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी वाटर लिली साबित हो सकती है। इस तरह के छोटे कंटेनर में लगाते वक्त बेस्ट कंटेनर जो साबित होता है वो मिट्टी का कंटेनर है। अभी अभी मैं वीडियो बनाते वक्त इसे उठा रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ से ये टूट गया, तो प्लास्टिक के कंटेनर में ये टूटने का प्रॉब्लम आता है, ऊपर से ये गर्म होते हैं, तो इसलिए मिट्टी का कंटेनर बेस्ट है। सीमेंट का कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसी के ही पत्तों से मैंने पौधे उगा रखे हैं, और इन्हीं में से जिसमें सबसे पहले कली आई, काफ़ी छोटा सा पौधा था और लगभग इतना छोटा सा था और इसमें फर्स्ट बड आ गया, तो मैंने इसे इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया सो दैट
इसमें जल्दी फ्लावरिंग हो सके। तो इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि जिसमें सबसे जल्दी बर्ड्स आ रहे हों, ज़्यादा बर्ड्स आ रहे हों, ऐसे पौधे अच्छे होते हैं छोटे कंटेनर में शिफ्ट करने के लिए। अगेन एक चीज़ और मैंने ध्यान रखा कि देखिए जब आप इन पत्तों को फ्लोट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे छोटी सी आई टाइप की दिख रही होगी, ये इस आई को जब आप फ्लोट करते हैं तो ये इस तरह से एक छोटा पौधा बनता है। तो इस तरह का जो छोटा पौधा होता है वही आप इस तरह के छोटे पॉट में रिपॉट करें। अगर आप पहले से एक बड़ा पौधा लेंगे और फिर उसे बड़े पॉट में सॉरी छोटे पॉट में रिपॉट करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पौधा पहले से बढ़ चुका होता है और उसे अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और ज़्यादा बड़े होने के लिए। तो छोटा सा आप अगर पौधा लेंगे तो काफ़ी ये आपके लिए ईजी पड़ेगा और वो बहुत ही जल्दी उस माहौल में ढल जाएगा और बढ़ने लगेगा। तो ये कुछ मेरे टिप्स हैं जिनके लिए आप जिन्हें यूज़ कर सकते हैं जब आप वाटर लिली लगाते हैं ऐसे छोटे कंटेनर्स में। अगेन इन छोटे कंटेनर्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये बेस्ट है कि आप जब छोटे कंटेनर में लगाएं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटी छोटी पुड़िया में NPK यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिट्टी के अंदर उन्हें दबा सकते हैं तो इसमें फ्लावरिंग अक्सर होते रहेगी। हालांकि बड़े लिली में जितनी फ्लावरिंग होती है उतनी फ्लावरिंग आपको छोटे वाटर लिलीज में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें फूड भी कम मिलता है, और जब उन्हें कम फूड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें ग्रोथ कम होती है और फ्लावरिंग भी कम ही होती है। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो वाटर लिली है ये माइक्रो वाटर लिली नहीं है, ये एक तरह का बोनसाई वाटर लिली है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी तो ये जो पौधा है वो एक अपने मदर प्लांट की तरह बड़ा पौधा बनेगा, छोटा नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये वाटर लिली रियल में एक एज्ड स्मॉल वाटर लिली है, बस मैंने इसे छोटे कंटेनर में रखा है तो इसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ। मतलब इसका जो जीन है उसमें ये बात नहीं है कि ये हमेशा स्मॉल रहेगा, वो इस कंटेनर के कारण ये ऐसा स्मॉल हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।